ऑल राइट एवरी वन वी आर लाइव आई वेलकम यू ऑल टू इनफ्रिटी लर्न नीड बाई श्री हेलो एवरीवन तो न्यूज कंफर्म आ चुका है और अब लेकर हम आप बहुत इंफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने आए हैं बिल्कुल हमने मॉर्निंग में आपको बताया था ऑलरेडी कि कल एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा था लेकिन हमें उसकी ऑथेंटिसिटी का अंदाजा नहीं था तो हमने क्लियरली आपको वही मेंशन किया कि एनएमसी की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है लेकिन अब एनएमसी की वेबसाइट ओपन हो चुकी yes. है वो क्या सर्कुलर है उसमें क्या सिलेबस में अपडेट हुआ ईच एंड एवरी वी विल टेल यू इन डिटेल इन टूडेज सेशन अफकोर्स तो ये बहुत बड़ा न्यूज है नि... 2024 की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्योंकि सिलेबस कहीं तक मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत एक न्यूज है अब वो बच्चे काफी अच्छे से अपने प्रिपरेशन पे फोकस कर पाएंगे और जिन बच्चों का स्पेशली कुछ चैप्टर में लैग हो रहा होगा उन्हें तो बहुत आराम मिलेगा अब तो बच्चे लोग आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि रिड्यूस सिलेबस से आपका एन एग्जाम कंडक्ट करेगा हाँ बिल्कुल और सी uh, अब तक ये सर्कुलर uh, सब बच्चों के पास पहुंच चुका था लेकिन एक बहुत ही अफरा तफरी से मची हुई थी कि ये फेक है ये रियल है क्योंकि हमने देखा है लास्ट के तीन चार साल में ऑलमोस्ट इसी टाइम पे बहुत सारे फेक सर्कुलर भी yes. मार्केट में आ जाते हैं चाहे वो नीट की एग्जाम की डेट्स को लेकर के हो चाहे सिलेबस को रिड्यूस करने के ऊपर हो बट बहुत सारे ऐसे सर्कुलर हमने देखे हैं पुराने टाइम पे भी तो इसीलिए हम लोग आपको बोल रहे थे कि हम एक ऑथेंटिक न्यूज के साथ में आपके पास में आएंगे जब हम भी क्लियर हो जाएंगे कि हां जी एनएमसी की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है देयर इज अ क्लियर कट नोटिस और उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट बच्चों फटाफट से इसको शेयर करके वो सारे फ्रेंड्स को बुला लो आपके जो अभी भी इस मंशा में इस दुविधा में बैठे हुए हैं किस सिलेबस रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ है क्या कौन सा पार्ट ऐसा है जो मैं छोड़ करके जाऊं कौन सा पार्ट ऐसा है जो मैं अच्छे से पक्के से करके जाऊं तो वो सारी क्वेरीज आपकी आज ली जाएंगी इस सेशन में और बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे जैसे कौन कौन से सिलेबस टॉपिक हटे हैं उसका क्या इंपैक्ट होगा जैसे बच्चे पूछ भी रहे हो सकता है मैम कई बच्चों के लिए खुशखबरी ना भी हो क्योंकि लोगों ने बड़े दिल से कई क्वेश्चंस को पढ़ा होगा अब पता चला वो टॉपिक हट गया है तो हर एक मुद्दे पे हम बात करेंगे नहीं सर, तो अगर टॉपिक हाँ। हट भी गया है हाँ। है पढ़ लिया तो कहते हैं कि पढ़ा हुआ कभी बेकार बेकार हाँ। नहीं होता। हाँ। तो पढ़ा हुआ बेकार तो नहीं होगा ओब्वियसली वो आपको हेल्प ही करेगा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो आपको बाकी टॉपिक्स पढ़ने में उसकी अच्छे से डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लाने में ज्यादा हेल्प भी करते हैं तो आपने अगर पढ़ भी लिया है तो परेशान बिल्कुल भी नहीं हो आप प्रशांत कुमार नोटिस दिखाओ बैम खोल के बहुत कंफ्यूजन हो गया सिलेबस हाँ, बिल्कुल दिख हाँ, है। बिल्कुल प्रशांत हाँ, मेरी बात सुनिए अभी भी आप देखोगे आप एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो अभी भी वो क्रैश है बहुत हाँ। बार ऐसा होगा वो ओपन नहीं होगी टेन टाइम्स ओपन करके हमने कंफर्म करने हाँ। के बाद ही हम लाइव आए आपके सामने बहुत बार ओपन की इसलिए हमने स्क्रीनशॉट भी लेकर के रखे था कि आप बच्चों को एक ऑथेंटिक चीज देख कि हाँ बिल्कुल एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट ये क्या कल हुआ? ही आया था जो पीडीएफ रिवॉल्व हो रहा था वो बिल्कुल सही था वही पीडीएफ आपके एन के वेबसाइट पे आया है Okay. अगर आप एनएमसी डॉट ओ आर जी डॉट इन जो की ऑफिशियल वेबसाइट है एनएमसी का इसको ओपन करते हो सकता है आपके सिस्टम पे अभी भी ओपन नहीं हो ये हमने रिफ्रेश इसीलिए नहीं किया ताकि आपको ये हम पेज दिखा सके मैं रिफ्रेश करूंगा तो हो सकता है पेज गायब हो जाए वापस से <laughs> वापस से इस पेज को लाने में उतनी मेहनत करनी पड़े बट द थिंग इज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इक्कीस लाख बच्चे भी अभी निरंतर इस एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर रहे हैं ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स भी है स्टूडेंट्स भी है जो लगे हुए हैं इसीलिए साइट आपकी ऐसे टाइम पे क्रैश हो जाती है जनरली जो कि अभी भी हमें देखने को मिला है मुस्कान आपको एक अभी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा सो डोंट वरी अबाउट इट और हम उस पीडीएफ को डिटेल में भी आपको बता देंगे कि क्या सिलेबस कहां से रिड्यूस हुआ है कौन सा पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है क्या डिलीट हुआ है क्या चीज ऐसी है अब सी हाई वेटेज चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो वो तो इंक्लूडेड इसमें है ही हमने मॉर्निंग में भी ये बात करी थी कि जो टॉपिक रिड्यूस होंगे वो कन्वेंशनल बायो वाले टॉपिक्स है मैक्सिमम जो टॉपिक्स है जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो एज इट इज बायोलॉजी में अभी भी है मैम बच्चे बहुत स्मार्ट है जयम खान ने पूछा है मैम डिलीटेड सिलेबस में से क्या टॉपिक समझने होंगे बाकी के चैप्टर्स के लिए एग्जाम्पल्स के लिए स्टेट ऑफ डिलीटेड बट आइडियल गैस इक्वेशन इज रिक्वायर टू नो ग्रेट आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छा है यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो ये ये जो लिया जा रहा है डिसीजन ये किस सोच के तहत लिया जा रहा है जैसे आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन में क्रिटिकल टेम्परेचर है कौन सा गैस लिक्विफाई होगा कौन सा गैस इजली लिक्विफेबल है ये तो गैसेस स्टेट से पता चलता है और उसका एप्लीकेशन सरफेस केमिस्ट्री में उसका एप्लीकेशन कई अदर चैप्टर्स में है बट इसीलिए पुराने चैप्टर्स के भी फंडे आपको पढ़ने पड़ेंगे ओके बिल्कुल जयम आप बहुत अच्छा कर रही है

NMC की वेबसाइट ओपन करके ही दिखा रहे हैं बच्चों आप आपको क्लियरली फ्लैश होता हुआ सर, रिफ्रेश मत करना, नहीं, <laughs> हाँ। हो जाएगा, नहीं तो यस yes. अभी आप देखना जो uh, कल की जो डेट थी आपकी सिक्स ऑफ अक्टूबर का नोटिस आपको दिखेगा इसमें सिक्स का रजिस्ट्रेशन इज देयर हाँ ये वापस से शुरू होगा देन यूल बी एबल टू सी You'll be able आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अभी मिल जाएगा वहां पे हम पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे सर सिक्स का जो नोटिस हाँ। है वो क्लियरली मेंशन है प्रेस रिलीज नेशनल मेडिकल के लिए प्रेस रिलीज हुआ है एंड हाँ। को ही आपका ये सर्कुलर भी दिया गया है आपको एक अपडेटेड सिलेबस पब्लिक नोटिस में दिया गया है हाँ यस सो मैम इसको हाँ। एक बार ओपन कर ले So, ये देखिए अगर आप उस क्लिक को अगर आप कर क्लिक कर पा रहे हैं तो आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे और यहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है नीट यूजी सिलेबस फॉर टू जीरो टू फोर और ये भाई एनएमसी के थ्रू आया है तो अब आ, वन सी पीडीएफ इंस्ट्रक्चर एंड ओके एक सेकेंड सर नीट बर्ड पूछ रहा है कि चांसेस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ सिलेबस सी अब देखो अब ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने अब जो सिलेबस रिड्यूस दिया है ऑब्वियसली पेपर अब उसी से ही बनेगा है ना उसी से ही बनना चाहिए पेपर जो यहाँ पे दिया हुआ है तो चांसेस कि जो अब आपको सिलेबस दिया गया है जो रिड्यूस्ड सिलेबस है जो अपडेटेड सिलेबस है यही से ही आपके क्वेश्चन भी आने वाले हैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में है ना हाँ. तो इसीलिए तो आपको ये नोटिस भी जारी किया गया है जैसे हम मोर्निंग में भी बात कर रहे थे कि क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं तो क्वेश्चंस so बनने के बाद ही नोटिस आपको दिया गया है तो जब आप इस पेज को ओपन करेंगे बच्चे तो आपको क्लियरली एनएमसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि देयर विल बी ए प्रेस रिलीज हुआ था नेशनल मेडिकल कमीशन लॉन्चेस ई बुक एंड सेकेंड पे आपको लिखा हुआ है यूजी सिलेबस फॉर ट्वेंटी which means you guys which means NEET 2024 वाले वो मेरे बच्चे जो अब इस साल एग्जाम देने वाले हैं आप बच्चों का सिलेबस क्या होगा वो यहाँ पे मेंशनड है कर दीजिए हाँ कनेक्ट कर लीजिए बिल्कुल तो हमने अपने दूसरे सिस्टम पे हम लगातार निरंतर ट्राई कर रहे थे वहां आपको पे। अभी ये दिख रहा है हाँ ओरिजिनल आप देख पाएंगे कि आ, आ रहा है पूरा नोटिस हां परफेक्ट 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 है ना वो हाँ। वाला सर जो नोटिस था उसको देख के भी थोड़ा ऐसा फील आ रहा था कि थोड़ा फेक तो थो नहीं है ये हाँ। क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉपी पेस्ट दिख रहा था लेकिन अब आप इस डॉक्यूमेंट को देखिए जो प्रेस रिलीज है फर्स्ट इज प्रेस रिलीज अक्टूबर का है हाँ नेशनल मेडिकल कमीशन लॉन्चेज ई बुक प्रोफेशनल कंडक्ट रिव्यू

सेकंड so, जो न्यूज थी आपकी एनएमसी पे वो यही थी कि स्लेबस। आपका सिलेबस जो है वो पब्लिक नोटिस में जारी किया गया है और जो हमने मॉर्निंग में आपको कहा था ये हमें दिख गया था पब्लिक नोटिस हमने आपको दिखा भी दिया था बट वी वर नॉट श्योर कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है नाउ वी आर हंड्रेड परसेंट श्योर कि यस दिस इज ऑथेंटिक ये एनएमसी की वेबसाइट पे हमने देखा है देखने के बाद आप बच्चों को हम हम डायरेक्टली दिखा रहे हैं सर प्लीज और ये आप मुस्कान बार बार कह रहे हैं मैम चांसेस है कि जो सिलेबस में से चैप्टर कट गया उसके क्वेश्चंस आ सकता है क्योंकि साइंस करेक्टेड है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हाँ बहुत डीपली उस चैप्टर को इन्वॉल्व नहीं करेगा बट उसके आस्पेक्ट को तो टच करेगा हुँ. जैसे एक आपके दोस्त ने अभी कहा था

वहां भी बनेगा बट मैं एडवांस के लिए तो श्योरू नहीं करेंगे एडवांस के लिए तो मैं श्योर हूँ आई टी वाले अपना ईगो पे होंगे मुझे नहीं लगता हालांकि आई दिल्ली या किसी भी आई के लिए छोटे सिलेबस से, से भी अच्छा क्वेश्चन बनाना आसान काम है तो हो भी जाएगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन okay. एक एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इस पे आज से चार पांच साल पहले जोलॉजी में से अर्थ वार्म कॉक्रोच एंड फ्रॉग ये तीन टॉपिक्स आपके होते हैं तो सुनने में आया था कि डिलीट हो गया है अर्थ वार्म कॉक्रोच डिलीट हो गया लेकिन आप देखते हो कि क्वेश्चन जब बनना होता है उस पर आई जाता है द थिंग इज कि जो चीजें इंटरकनेक्टेड है जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंटरलिंक्ड है इंटरकनेक्टेड है, है उसपे बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है अगर मैं बायोलॉजी में कॉट करूं तो मोरफोलॉजी का जो पोर्शन डिलीट हुआ है लास्ट में आपको एंजियोस्पर्म्स के बारे में बताया हुआ होता है एंड प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में भी लास्ट में एंजियोस्पर्म्स का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इलेवंथ वाले पोर्शन में उसको डिलीट किया है लेकिन ट्वेल्थ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा फुल फ्लेज चैप्टर है आपका उसके अंदर आप सब कुछ पढ़ते हो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हो फ्लावर में कैसे मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ फीमेल गेमेटोफाइट ईच एंड एवरीथिंग जो मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ था वो डबल डबल दिया हुआ है इलेवंथ के मॉर्फोलॉजी में एंड ट्वेल्थ के एस आर एफ पी में तो इसीलिए कुछ ऐसे पोर्शन को भी डिलीट किया गया है जो कि आपका डबल हो जाएगा वहां पर

Uh, मुझे लगता है कि एक वहां भी रिलीज होगा एक उनकेटर हाँ। हेड लेटर पे बस सिलेबस अब क्या बदलेगा अगर एनएमसी ने कंफर्म कर दिया है मजाक तो है नहीं कि हाँ। गवर्नमेंट बॉडी ये कहेगी दूसरा ये कहेगी तो रेगुलेट हो चुका है तो बट हाँ, टाइटल बदलेगा हाँ। बट सिलेबस तो यही दाने लेकिन हाँ एन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने चेक करी है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नहीं दिया हुआ बट यस एनएमसी पे बहुत ही क्लियर कट अच्छा अच्छा uh -huh. गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है uh -huh. तो ये ऐसा तो है नहीं कि चैप्टर को बस हटा दिया uh -huh. इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन होंगे कि बच्चों के प्रेशर कम कर रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो uh -huh -huh -huh. तो अब ये next सवाल आता है कि ये जो topic को कम कर रहे हैं तो क्या इसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ पेपर क्या होगा इट्स ए गुड क्वेश्चन अच्छा एंगल पे सोच रहे हैं अगर प्रेशर कम करने की वजह से किया गया और तो कोई रीजन होगा नहीं क्योंकि साइंटिफिक कनेक्टिविटी तो नहीं है क्योंकि मैं वो देख पा रहा हूं वरना ये हटता नहीं तो स्टैंडर्ड ऑफ पेपर मुझे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टफ पेपर तो नहीं कर सकते बट जिस तरह से कुछ साल हमने देखा है कि कट ऑफ इतना हाई जा रहा है सेवन हंड्रेड के ऊपर इतना जा रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है ट्रिकी आ सकता है बट बहुत कैलकुलेटिव तो नहीं रहेगा मैं श्योर हूँ ट्रिकी आ सकता है ताकि मतलब वो जो कॉन्साइड करने वाले जो ट्रेंड है तो थोड़े खत्म हो हाँ हाँ हा, वो हो सकता है बिल्कुल देखो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है एनसीआर पेपर आएगा ये आपका एनएमसी बोल चुका है रिड्यूस एंड आपका सिलेबस भी रिड्यूस वाला दे चुका है ऑलरेडी तो आप मान के चलिए अगर इस रिड्यूस्ड वाले सिलेबस से ही आ रहा है तो थोड़ा एप्लीकेशन वाली चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी है ना नॉर्मल जो आपका कन्वेंशनल पेपर होता था उससे थोड़ा सा डिफरेंट आने के चांस है दुख बहुत है मैम असल खान हाँ। मैंने तो पूरा रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ा हुआ था अब बताइए भाई मैं दुनिया में कहा जाता दुख नहीं बांटा अब कैसे बांटे आपका दुख ठीक है ये ये तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत सच में दुख की बात है बट ये आपको काम ही देगा कई सारे टॉपिक है जो दूसरों में आपकी मदद करेगा ठीक है हाँ। तो ऐसा नहीं है आपके सोच दूसरों से ब्रॉड होगा अगर आप उन चैप्टर्स को पढ़े हैं तो घबराइए नहीं पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा कहीं ना कहीं एंगल से काम आ ही जाएगा हाँ okay. बिल्कुल और सेशन को बच्चों लाइक करते रहो इसको शेयर करते रहो आप ही जैसे बहुत सारे बच्चे अभी भी उस दुख में बैठे होंगे उस दुख के सारे के सारे निवारण आज हम इस क्लास में करने वाले हैं और हम डिटेल में आपको सिलेबस भी बताएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या रिवाइज सिलेबस है हाँ सरु. एक बच्चा बोल रहा है आई विल ट्राई टू ब्रिंग एयर रैंक वन बिल्कुल हाँ. और रैंक वन लाने की सोच रहे हैं तो बस क्वेश्चन के एग्जामिनेशन के ट्रेंड को पकड़िए और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए हाँ सर आपकी कोई ऐप आप है क्या बताइए जरा बच्चों को और आप क्या कराते हैं यूट्यूब पे बच्चों को ये भी, भी आप बताइए जरा हाँ हाँ बिल्कुल ऐप है और जिस तरह यूट्यूब पे हम अपने फ्री क्लासेस लेते हैं हमारा ऐप भी है पेड बैच भी चल रहे हैं हमारे बच्चे बड़े मस्त है अच्छा इंट्रेक्शन होता है तो वहाँ पे एक शेड्यूल क्लासेस भी रहती है और यहाँ भी हम बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं अच्छे से ओके वर्ल्ड ऑफ और यूट्यूब पे हमारी सक्सेस पाथ सीरीज चल रही है बच्चों वी आर क्लेमिंग कि वन मंथ के टाइम में जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो सारे आप कर पाएंगे एंड यूल बी एबल टू गेट सिक्स हंड्रेड प्लस मार्क्स डेली उस पर क्लासेस होती है आपकी आज उसकी मेगा क्विज भी होने वाली है हाँ जी आ, 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 आ। सर न्यू एनसीआर से पढ़े कि ओल्ड एनसीआर से विष्णु अब आप ओल्ड न्यू वाला चक्कर नहीं अब इन्होंने बता दिया है ऑलरेडी कि न्यू सिलेबस ही है तो आप न्यू सिलेबस को ही पढ़े और जो नई एनसीआर टी उससे पढ़े सी ऑलरेडी ये चीज तो समझ में आ रही थी कि जब एनसीआरटी ने ही सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है हाँ। जब एनसीआर ने रिलीज ही किया है अपडेटेड सिलेबस के साथ में तो बच्चे पुरानी एनसीआर टी कहाँ से खरीदेंगे हाँ. है ना और वो अगर नीट एग्जाम के लिए अलग से पढ़ाई करनी है तो पुरानी एनसीआरटी खरीदनी पड़ेगी अगर सिलेबस आपका पूरा है तो तो एक ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था लेकिन वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अब आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है बट ये बड़ा डिसीजन लिया गया बहुत बड़ा डिसीजन है हाँ। और देखते हैं बट न्यू पढ़िए हाँ, किसी चैप्टर में आप एक बार अगर अगर आपके पास ओल्ड भी है है तो कोई बड़ी बात नहीं मान लो केमिकल बॉन्डिंग है पहले से अगर ओल्ड पड़ी हुई है तो नया खरीदने की जरूरत नहीं है उतना आप ऐसा मत कीजिए कि नया खरीदने चले जाइए उससे भी बहुत होगा ठीक है है ना अब इस तथ्य पे टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है इस सेशन में आपको फुल uh, फुलस्ड सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाया गया है नोटिस ओपन करके आपको दिखाया गया है एंड क्या फ्लैश हो रहा था वो आपको दिखा चुके हैं तो इट इज कंफर्म नाउ अब समय जाया ना करे बिल्कुल भी अब आप ये सोचे कि मेरे पास जो बचा हुआ सेवन मंथ्स है फिफ्थ ऑफ मे हाँ. नीट की डेट रिलीज हो चुकी है सेवन मंथ्स भी नहीं है सर सेवन मंथ्स में दो दिन कम आ, हो चुके हैं ना फिफ्थ ऑफ मे में तो बच्चे जो बचा हुआ समय है उसको मैं कैसे यूज करूँ सिलेबस भी कम हो गया है टाइम भी मंथ्स के लमसम बाकी है हा, हा, तो अब इस सेवन मंथ्स में मैं क्या अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊ कैसे मैं इस इस बचे हुए सिलेबस को इतना मंजा हुआ कर लू इतना अच्छे से पढ़ाई कर लू की कैसे ही क्वेश्चन हो ईजी हो डिफिकल्ट हो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो मैं हर एक लेवल ऑफ से केटर कर पाऊं। खान, तो पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है है। हाँ. में में बस। हुँ. कुछ टॉपिक बहुत अच्छा कंसर्न हाँ. जैसे गैसे स्टेट जैसे स्टेट आपने बोला, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन आपको आइडिया रहना चाहिए थोड़ा सा क्रिटिकल के बारे में बेसिक तो इतना आना चाहिए. जैसे आप मेटलर्जी से ले लो तो अगर मेटलर्जी से कुछ जो इंपॉर्टेंट ओर्स है उसके नाम आना चाहिए ठीक है वैसे ही अगर एस ब्लॉक में चले जाए तो वहां पे आपको ऑक्साइड के नेचर है क्योंकि ये ना कनेक्टिविटी आपको पीरियोडिक टेबल से कनेक्टेड uh, है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड ऑल तो आपको ये देखना ही पड़ेगा क्योंकि पी ब्लॉक हर जगह है तो एस ब्लॉक सिलेबस से हटा दिया है सो so, आपको बट एस ब्लॉक की कई सारे इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल में है और केमिकल बॉन्डिंग में है तो दोनों से कनेक्टेड जो जैसे फेजान रूल तो NaCl LiCl कौन को कोवेलेंट है कौन आयनिक है किसका मेल्टिंग ज्यादा है तो जो कनेक्टेड एरियाज है वहां से आप लोग इस तरह के चीजों का आपको पढ़ना पड़ेगा हाँ, हाँ, हाँ सर एक सेकंड नाद हाँ, बिल्कुल करेक्ट बात है एनएमसी नहीं ओपन हो रहा इसीलिए ये पेज को ओपन करके रखा हम रिफ्रेश हाँ, नहीं कर रहे हैं क्योंकि आई हैव बीन ट्राइंग टू ओपन सिंस लास्ट नाइट कल से मैं कंसिस्टेंटली uh, ट्राई कर रही हूँ इसीलिए हमने अपने लैपटॉप को ही कनेक्ट किया यहाँ पे ताकि आपको एग्जेक्ट वो वेबसाइट ओपन एग्जेक्ट वो नोटिस दिखा सके आप ओपन करेंगे तो देर आर हाई चांसेस वेबसाइट क्रैश हो रखी है एंड यू वॉन्ट बी एबल टू ओपन द ये क्वेश्चन काफी अच्छा है आ, सर मैं एम जी बोर्ड का हूं महाराष्ट्र देखिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ साल पहले स्टेट बोर्ड्स की बुक अलग होती थी ए, ए, सी बी एस सी अलग होता था बट कई सालों से बस उनका प्रिंटेड वर्जन अलग होता है कंटेंट एक ही होता है क्या मैं सही बोल रहा हूं तो आपको भी यही फॉलो करना है नीट के लिए अपने बोर्ड्स के लिए जैसे करना है कीजिए बट आपको क्वेश्चन इसी पे फोकस करते रहना है ठीक है तो आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि अब जितने भी ज्यादा स्टेट बोर्ड है मैम मैंने देखा कंटेंट का ही रहता है बस जैसे हिमाचल बोर्ड हिमाचल में जब जॉब करता था हुँ. तो बुक का साइज अलग था थोड़े से कलर अलग थे बट कंटेंट यही था सेम तो मुझे नहीं लगता इशू होगा ओके okay. Oh, so, हाँ जी बिल्कुल फिजिक्स में भी रिड्यूस हुआ है केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों तोमर कह रहे हैं है जो सिलेबस में है। ये मुझे नहीं समझ माया। ये, मतलब, इसका मतलब है कि बच्चों को क्या और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ठीक है अब मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं इसीलिए कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि वापस हो सकता है कि रिलीज होगा क्या क्योंकि एनटीए का सिलेबस रिलीज भी जब हो

एंड दूसरी चीज ये प्रोटीन सिंथेसिस तो बेटा आपका ट्रांसलेशन ही हो गया बस उसका नाम चेंज करके लिख दिया है तो कुछ ऐसी चीजों में जो आपको हो रही है उससे आप परेशान ना हो बिल्कुल भी प्रोटीन सिंथेसिस इज सिंपली योर ट्रांसलेशन जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है थैलेसीमिया हमें पढ़ना पड़ेगा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा है हम लोग आपको वो टॉपिक्स करा देंगे उसकी आप चिंता बिल्कुल भी ना करें सेशन को लाइक एंड शेयर अथर्व सर ओल्ड एनसीईआरटी के बाहर का सिलेबस भी दिया है कौन हाँ। सा बताइए अब फिजिक्स में ज़्यादा टॉपिक रिड्यूस हुआ है हाँ। हम आपको पूरा सिलेबस अभी भेज देंगे सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए इसका आप ना सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो हाँ। ठीक है और अभी आपको टेलीग्राम का जो लिंक आएगा हम पीडीएफ भी भेज देंगे तो आप एक एक चीज आप उस पर देख लीजिएगा हुँ हुँ। so, आपको डिटेल में दिखा भी देंगे अभी सेशन में पूरा केमिस्ट्री का पूरा बायोलॉजी का पूरा आ, इसका फिजिक्स का मैम बायोलॉजी में इकोलॉजी में कौन चैप्टर इकोलॉजी में इश्यूज को उड़ा दिया है है बिल्कुल ठीक है, जो चैप्टर बचे भी है ऑर्गेनिज्म सिस्टम बायोडाइवर्सिटी उससे भी बहुत कम कम टॉपिक्स को कर दिया है टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है है ना तो वो डिटेल में मैं आपको अभी समझा दूंगी जामिर अभी बस आपको बने रहना है क्लास के अंदर और सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहना है। नेम तो देखिए पोलिस हाँ 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 yeah, नहीं, नहीं, की आवश्यकता तो नहीं, नहीं है, तो है। नई पुराने में डिफरेंस बस यही है कि जो नई एनसीआर है उसके अंदर टॉपिक्स कम दिए हुए हैं ना रिड्यूस्ड वाले सिलेबस के टॉपिक्स दिए हुए और कोई डिफरेंस नहीं है तो जिसके पास पुरानी एनसीआर है गुड टू गो विद विद डेट आपको नए एनसीआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हाँ. है ना और खरीदने की जरूरत नहीं है अगर होगा हाँ. तो ऑनलाइन अवेलेबल है हाँ। मृदुल शर्मा मैं मैम सीआर अच्छा सब एनसीआर हाँ, हाँ।, हाँ ये पुराने स्टूडेंट है न्यू खरीदने की आवश्यकता नहीं है ओल्ड एनसीआर अच्छा एक और चीज सर आ, मैं परसों तरसो ये नोटिस भी कर रही थी जब आप गूगल पे भी डालते हो एनसीआर तो नई एनसीआर टी का पीडीएफ ही पॉपअप होता है अच्छा। तो आप लिख दो उसमें एनसीआर टी के आगे ओल्ड एनसीआर टॉपिक दिस 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 तो आपको पुरानी वाली एनसीआरटी का पीडीएफ मिल जाएगा तो चिंता ना करे बिल्कुल भी पिताश्री बहुत ही मेहनत से पैसे कमाते हैं उसके पैसे बचाने हैं ना अब एक किताब पहले से ये बस किताब खरीदने में लग जाओ ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है टॉपिक्स वही है आपके ठीक है हाँ बिल्कुल और तो, फिजिक्स तो के लिए पंकज यादव आपको फिजिक्स में चैप्टर डिलीट कम हुआ है हुँ. फिजिक्स में टॉपिक शायद ज्यादा डिलीट हुए क्योंकि मैं केमिस्ट्री जैसा पढ़ा रहा हूँ जितना मुझे आइडिया है तो सिलेबस आपको हम पूरा दे देंगे पीडीएफ आप उसको एक बार देख लेना सर सेशन की लाइक में कोई वृद्धि नहीं हो रही है आप लाइक कराइए जरा बच्चों प्लीज से। बच्चों सेशन को लाइक करते जाइए हाँ। और इस तरह के क्वेश्चंस के साथ बट uh, कई सारी चीजें uh, बड़ा uh, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी था जैसे कि पी ब्लॉक का नए में होना बट ओल्ड एनसीआरटी में नहीं होना जैसे मुझे सबसे शॉकिंग तो लग रहा है केमिकल बॉन्डिंग को फिजिकल में दिखाना कहीं मैम ऐसा तो नहीं है कि जो uh, जो ये हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है ये हाँ. हाँ ये सिर्फ एक सजेशन uh, दे रही है कि मतलब ये दिस शुड बी अब एनटीए फाइनलाइज करेगा कि फाइनली क्या है कि क्वेश्चन तो एनटीए को बनाना है उन्हीं के पास हा। हा। है क्योंकि जिस तरीके की थोड़ी सी गलतियां चल रही है लेट्स सी क्या होता है बट सिलेबस तो मुझे चांस लग रहा बदलेगा अशाब सर एग्जाम डेट रिलीज कर हाँ एग्जाम डेट तो रिलीज हो चुकी है ना ऑलरेडी फिफ्थ ऑफ में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है है ना हाँ। वो भी हम लोग बताए थे आपको हाँ स्वीटी तोमर पीडीएफ में स्ट्रक्चरल में इंसेक्ट एंड इन बैक दे हाँ 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 फ्रॉग अर्थवर्म कॉक्रोच इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं है ना तो आपको आपके पास अगर ओल्ड एनसीआर है तो उससे जरूर जरूर पढ़ करके जाना दिस इज सिंपल टिप दैट आई वॉन्ट टू गिव टू ऑल माई स्टूडेंट्स आर लिस्निंग टू मी राइट नाउ ठीक है सो बढ़िया है आप इसमें बने रहिए और जो कनेक्टेड सबसे ज्यादा इशू बस यहीं पे होने वाला है जो कनेक्टिंग टॉपिक्स है वहां पे इशू होगा और ज्यादा इशू तो नहीं होने वाला जैसे मैं अभी आपको बताया फिजिकल के कंटेक्ट से सॉलिड स्टेट हट गया है अच्छा सॉलिड स्टेट जैसे मैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बोल भी रहा था कि कुछ चैप्टर तो ऐसे हटाए हैं जो बच्चों की नजरों से नहीं हटना चाहिए था वहां पर इजी टू स्कोर था जैसे सर्फेस केमिस्ट्री था

है ना तो आपको बहुत अपडेट होके दिया है, उसको जरूर, जरूर, जरूर पढ़ ले उसको मैं कहूंगी एनसीआर के साथ में बहुत अच्छे से रेफरेंस किताब से भी पढ़ करके जाना है क्योंकि उस पर बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है उसकी तैयारी आपको पूरी अच्छे से होनी चाहिए बच्चे मजे ले रहे रिजल्ट सीबीएसई जारी करेगा सिलेबस एन हो रहा है बच्चों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मतलब, कोई भी आ, मतलब जो भी कर रहे हैं ताकि आप कम प्रेसराइज फील करें और जितने कोई से हो, उसी से अच्छा आप पढ़ सके बिल्कुल तो सर डिटेल में एक बार बायो का सिलेबस बच्चों को बताना शुरू करूं क्या हुआ है कैन वी द पेन आप इस पर नहीं कर पाएंगे नो हाँ उसे हटाना होगा ठीक है तो लेट्स ओके okay. uh, ये पब्लिक नोटिस जो हमने आपको मॉर्निंग में दिखाया था सेम हमने आपको दिखा दिया कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन uh, आया हुआ है कल कल देर वॉज अ प्रेस रिलीज उसके अंदर इसको रिलीज किया गया है कि आपके जो नीट 2024 के एस्पिरेंट हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स को मेंशन करते हुए एनएमसी ने लिखा है क्लियरली कि एनएमसी की वेबसाइट पे भी हम इसको डाल देंगे हम लोग नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वेबसाइट आपकी क्रैश हो गई थी एज सिंपल एज दैट ठीक है ये बात हम समझ चुके हैं तो ये जो नोटिस आपको जिसको आप देख पा रहे हो अच्छे से मैं आपको सबसे पहले बायो से शुरुआत कर देती हूँ कि बायोलॉजी में क्या सिलेबस आपका कम हुआ है कहां से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है अलाउ मी जस्ट वन मिनट एंड बच्चों फटाफट से आप सेशन को लाइक शेयर करते हुए शुरू भाई आप ही की जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी इसी दुविधा में बैठे होंगे कि सिलेबस रिड्यूस हुआ नहीं हुआ सर्कुलर फेक है रियल है तो आपको ये ऑथेंटिकली पूरा एनएमसी की वेबसाइट पर हम दिखा रहे हैं और सौम्या सौमिक ये जानना चाह रहे क्या 2025 में भी यही रहेगा दो हाँ। हजार <laughs> 2024 में यह हो जाएगा तो 2025 में ज्यादा से ज्यादा एक आ, मतलब मुझे नहीं लगता कोई होगा. अब यही रिपीट होगा क्वेश्चन के पैटर्न के एग्जामिनेशन बदलेंगे ओके सो काजल प्रसाद इतनी फैमिली तो बायो में दी भी हाँ। नहीं ओके हाँ बिल्कुल फैमिलीज वाले पार्ट में फैमिलीज में एक्स्ट्रा फैमिलीज मेंशन करी हुई है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है बिल्कुल सही मैं इसी बात पे आ रही थी चलो मैं वन बाय वन आपको एक एक चीज बताते हुए समझाते हुए चलती हूँ बच्चों लेट्स कम टू बायोलॉजी केमिस्ट्री मोटा मोटी सर ने थोड़ा समझा दिया था बच्चों को मॉर्निंग में है ना तो लेट्स डायरेक्टली कम टू बायोलॉजी फर्स्ट पहले हम इलेवंथ की बायोलॉजी देखते हैं बच्चों उसके बाद हम ट्वेल्थ पे मूव करेंगे ठीक है अगर मैं इलेवंथ की बायोलॉजी की बात करूं येस सो हेयर वी आर अगर हम इलेवेंथ की बायोलॉजी की बात करें बच्चों मेरी बात ध्यान से सुना सर आप कॉमेंट्स देखते रहे ना हाँ अगर कुछ ऐसा बच्चे की दुविधा हो तो हम उसको केटर कर लेंगे Yes, तो सबसे पहली यूनिट जो है आपकी ग्यारहवीं कक्षा की ग्यारहवीं के सिलेबस में दैट इज योर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ठीक है पहला चैप्टर तो हमारा लिविंग वर्ल्ड ही हो जाता है देन देन वी वी हैव हैव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम तो लिविंग वर्ल्ड में देखो व्हाट इज लिविंग था पहले अभी भी है बायोडायवर्सिटी नीड फॉर क्लासिफिकेशन अभी भी है टेक्सोनोमी सिस्टमेटिक्स अभी भी है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की अभी भी है टेक्सोनोमिकल एड्स करके एक टॉपिक जो है उसको उड़ा दिया गया है वी हैव बायोनोम आल्सो ठीक है binomial, बट yes, इसमें हम आर्ग्यू करेंगे इस चीज से कि आपका है बोटेनिकल गार्डन जोलॉजिकल पार्क ये जो चीजें हैं ये आप इकोलॉजी में भी पढ़ लोगे ओके वी डू अंडरस्टैंड दैट लेकिन इस वाले पोर्शन से उसको हटा दिया गया है तो वी डोंट क्लियर एवरीबडी इज दिस क्लियर तो कोई भी आ, साथ साथ में मेरे को बताते भी चलो जहां पे जो भी डाउट आपको होता है उसको साथ साथ में हम केटर करते हुए चलेंगे यस वर्ड टू वर्ड हाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा डिटेल में अब देखो एक चीज में समझाती हूँ स्पीसीज के बारे में यहाँ पे क्लियरली लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज ठीक है पहले इस एनसीआरटी से पहले की एनसीआरटी की मैं बात कर करूँगी भाई हम तो पुराने जमाने के हैं ना तो उस वाली एनसीआरटी में स्पीसी के बारे में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ था कि नर्स्ट मेयर ने क्या एक्सप्लेन किया स्पीसी को एक्चुअल में क्या आ, इसका डेफिनेशन हम मान के चलते हैं तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिलेबस वहां से कनेक्ट कर रहा है है ना तो स्पीसिस का जो डेफिनेशन है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए जो जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ठीक है चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन पे

उसका कोई तुक नहीं बनता पूरा प्लांट किंगडम आपने पढ़ना है पूरा एनिमल किंगडम भी आपने पढ़ना है बाद में यस तो 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 वो वो जो वहां पे दिया दिया हुआ था था एक काइंड ऑफ क्रिएट कर कर रहा था। उसको डिलीट तो वही मैं आपको समझा रही हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जो कि आपके डबल डबल लिखे हुए थे इसीलिए कुछ पोर्शन को डिलीट भी किया गया है तो यहाँ पे जो आपका प्लांटियन एनिमिलिया मेंशन था उसको हटा दिया गया है इज दिस क्लियर एवरीबडी काजल प्रसाद मृदुल शर्मा हां जी वर्ल्ड ऑफ एवरीथिंग सेशन को लाइक एंड शेयर का सिलसिला बच्चों बनाए रखो और जो नए बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले कोई टॉपिक जो इसमें एक्स्ट्रा दिए हैं हम आपको बोल रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कराएंगे आपको डेफिनेटली आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ऑल राइट right, तो आगे चलते हैं हम अपने प्लांट किंगडम पे किंगडम के अंदर आपके फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इंटू मेजर ग्रुप्स ठीक है वी द फाइव ग्रुप्स एलगी ब्रायो टेर जिमनो एंड एनजीओ यहाँ पे एनजीओ के बारे में भी मेंशन था है ना आपके एनसीआर में एनजीओ स्पम्प के बारे में मेंशन किया हुआ है लाइफ साइकिल पैटर्न क्या है ये उसका बताया हुआ है वापस से समझाया हुआ है कि क्या मेल गैमेट है क्या फीमेल गैमेट है क्या डबल फर्टिलाइजेशन है ये सारी चीजें सारी चीजें आप प्लांट किंगडम में भी पढ़ते हो और ये सारी चीजें आप एस आर एफ पी ट्वेल्थ में भी पढ़ते हो विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना पढ़ते हो सेम टू तो सेम लिखा हुआ कुछ एक्स्ट्रा फंडा नहीं है यहाँ पे राइट right? तो वही पार्ट यहां से डिलीट कर दिया गया है सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक लिखा है अब एक प्रॉब्लम जो मेरे को नजर आती है वो ये है कि जिम्नोस्पर्म में आपको लिखा है थ्री टू फाइव फीचर एंड एटलीस्ट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच कैटेगरी भाई दो एग्जाम्पल कुछ नहीं होता है एग्जाम्पल फिर अच्छे से पढ़ करके जाना है ना इसने तो लिख दिया है कि दो एग्जाम्पल एटलीस्ट एक टू एक्साम्पल लिखा हुआ है तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होने चाहिए लीवर के के आपको साइकस के पाइनस के पाइनस सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए ठीक है मैम तो फिर हम लोग को मोर सिलेक्टिव और मोर डिस्क्रिप्टिव पढ़ना होगा बिल्कुल हाँ जो सिलेबस में है उसको तो आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा उसको और तो ये आ, ये मतलब तो बिल्कुल सही बोल रहा है सिलेबस कम है तो क्वेश्चन अब उतना ही से अच्छा बनाना है

से आप क्वेश्चन के टाइप को अगर चेंज कर दो तो ऑब्वियसली आप देखना डिफरेंस बहुत फील हो जाएगा इजी और डिफिकल्ट में आप डिफिकल्ट की तरफ मूव हो जाओगे है ना हाँ। तो वो क्वेश्चन का टाइप नया नया टाइप इंट्रोड्यूस हो रहा है और नए टाइप पे ही आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते रिड्यूस हुआ या नहीं हो <laughs> गया कहते हमने एक टीशर्ट बनवा लेते हैं हाँ। सर यस सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड है ना okay. ताकि आपको पता लगे कि हाँ सर सच में रिड्यूस हो गया है चलिए सुपर तो ये हमने बात करी प्लांट किंगडम की देन वी हैव द एनिमल किंगडम उसमें भी आप दे, देख देख पा रहे हो कि एट लीस्ट 2 एग्जांपल जहां पे भी लिखा है उस बात को नजरअंदाज करना एंड 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 आपको सारे एग्जांपल जरूर अच्छे से पढ़ के जाने हैं इजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट मोर्फॉलोजी पे आ जाओ बच्चों देखो मैंने मॉर्निंग में भी ये चीज समझाई अभी वापस से समझा रही हूं कि जो भी कन्वेंशनल बायोलॉजी वाली पार्ट था आपका मोर्फू आपका एनॉटमी बॉटनी में स्पेसिफिकली वो वाले पार्ट से क्वेश्चन को कम किया जा रहा था एंड एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस को बढ़ाया जा रहा था ये हमें ऑलरेडी पैटर्न में समझ में आ रहा था जेनेटिक्स के जो एप्लीकेशन वाली क्वेश्चंस है जो टॉपिक्स है उस पर एक चैप्टर से आठ आठ क्वेश्चन आपके बन रहे थे कन्वेंशनल वाले से कम बन रहे थे ठीक है तो ये हमें पैटर्न तो समझ में आ रहा था अब उस पार्ट को थोड़ा सा हटा ही दिया गया है थोड़ा नहीं अच्छे से हटा दिया गया है तो मोरफोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन में आपका टिश्यूज एनऑटमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रूट स्टेम लीफ इनफ्लोरसेंस साइमोस रेसमोस मेंशन किया हुआ है फ्लावर फ्रूट एंड सीड मेंशन किया हुआ है एंड फैमिली के अंदर फैमिली के अंदर आपको थोड़ा सा धक्का लगा होगा देख के कुछ बच्चे लिख भी रहे थे मुझे कि मैम फैमिली इज एक्स्ट्रा मेंशन कर दी गई है जी हां मालवेसी क्रुसिफेरी लेग्युमिनेसी कंपोजिट एंड ग्रामिने कुछ फैमिलीज यहां पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी वो हम अपने प्लेटफार्म पे करा देंगे उसकी चिंता नको करो ठीक है चिंता नहीं करनी है जो भी एक्स्ट्रा तुम्हें फैमिलीज दिख रही है अभी तक आपके एनसीआरटी में ब्रेसिकसी फैमिली का सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है उसके बाद लेग्मी फैमिली सोलनेसी फैमिली को मेंशन किया हुआ लेकिन हम यहां देख पा रहे कि कुछ एक्स्ट्रा फैमिलीज है बट बिल्कुल भी चिंता ना करें जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन आपको दिख रहा है चाहे एनसीआर में हो नहीं हो हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा देंगे दैट इज फॉर श्योर ठीक है देन कम्स एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू में तुम्हारा मोरफोलॉजी अनोटमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट एंड ब्रीफ अकाउंट ओनली ठीक है ठीक है हाँ जी अब देखो यहां लिखा है इंसेक्ट एंड ब्रैकेट में फ्रॉग लिख दिया है है ना तो मैं सेम चीज़ भी आपको कर रही कॉकरोच बहुत पहले भी इसे तो नहीं हाँ। हाँ हा, तो बहुत, बहुत, जाऊंगा इस मैं इसको बहुत थोड़े से एंगल से लेके चलूंगा और बहुत ज्यादा नहीं जैसे केमिकल बॉन्डिंग की बात करें बच्चों का एकदम फेवरेट है तो हर चैप्टर में यूज होता है जैसे देखिए बच्चे लोग लुविस अभी भी है कई सार, सारे चैप्टर के कनेक्शन अपने आप आ जाएंगे दूसरा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ओके कैलकुलेशन ऑफ इलेट्रिश ये बाकी सारे चैप्टर के कनेक्शन अपने आप ले गया फिजान रोल ओके okay, तो ये आपको टॉपिक सारा बचा हुआ है फिर यहाँ पे आपके सारे आ गए फेजान रूल डायपोल मोमेंट वेस्पर थ्योरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सारे तो यहाँ पर आ ही गए प्रसाद में पी ब्लॉक पे आता हूं ठीक है और भाई वेस्पर थ्योरी अपने आप में पूरी दुनिया है उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू तो कोवेलेट बॉन्डिंग वीबीटी इट्स फीचर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस तो सारे टॉपिक तो ऑलमोस्ट इंक्लूड कर लिए गए यहां पे कोई मेजर चेंज पहले की तुलना में नहीं है और एमओटी का सारा का सारा आपका आ गया तो मेजर सिलेबस ओके तो बच्चे लोग प्लीज आ, तो जैसे केमिकल बॉन्डिंग को अगर एक नजर से देखें तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई चीज हटाया गया है तो आप इसको प्लीज आ, बच्चे लोग आप जैसे पढ़ रहे थे दिल से पढ़ते रहिए और इजी होगा आप करोगे और बच्चों प्लीज सेशन को लाइक शेयर करते रहिए मानसी पटेल देवा ज्योति का मैं कमेंट लेना चाहूंगी मैम हाँ। इलेवेंथ का सिलेबस तो हम कंप्लीट कर चुके हैं तो जो नए टॉपिक्स एड हुए वो हम कहाँ से करें तो आई एम कंसिस्टेंटली टेलिंग यू वन थिंग वी आर देयर फॉर यू बच्चों आप बिल्कुल चिंता ना करें सिलेबस कम्प्लीट कर चुके हो कोई बात नहीं अब यहाँ पे जो भी आपकी क्लास होगी

ये डायरेक्ट आ गए हैं थर्मो फ्लोट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क हीट इंटरनल एनर्जी ओके तो बहुत तो मतलब सारा का सारा यहां तक है ही कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क अपने आप में आप आइसोथर्मल आई सब तो आ गया है कि में ठीक है अब इन वर्ड को डिकोड करना अपने आप में बड़ा है ओके okay. और सारा सिलेबस है और यहां से फिर आपकी पूरी थर्मोकेमिस्ट्री इन कर गया हेस लॉ एंड कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन से पूरा और ऊपर से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पर सर मैं एक एक बच्चे का डाउट हाँ। लेना चाहूंगा जॉय नाथ करके एक बच्चा कह रहा है कि मैम द सिलेबस हैज बी रिड्यूस्ड

लेकिन मेरी बात ये भी समझो कि एनसीआर ऑलरेडी एक बहुत ही कंसाइज किताब है एक एक चैप्टर उसमें ऐसा है जिसपे आपकी पूरी किताबें लिखी हुई है हाँ। आपको पे इतनी हैवी हैवी किताबें देखने को मिल जाएंगी उसको करके बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में NCRT ने लिखा हुआ है तो से एकदम 20, 30 जो आप, आ, पूछ रहे हो मुझसे तो नहीं होगा लेकिन जो भी आपको सिलेबस में दी है चीजें उसको हमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा उस पर हमें बहुत तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा okay. हाँ जी उस उसपे बेस्ड हमें तरीके से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना पड़ेगा मेरा माई आ, माई, माई जो है म्यूट पे था नहीं हाँ। कोई बात नहीं आ, और दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि मैम एन बेस्ड ही रहेगा जैसे एक टॉपिक है याद करना पी ब्लॉक में ग्रुप 14 में एक सिलिकेट्स नाम का टॉपिक है दो हजार नौ के पहले मेडिकल उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आता था ऑर्थोसिलिकेट नेजोसिलिकेट ओके पायरोसिलिकेट्स बट ये एनसीआरटी में डिस्कस नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे बट जो सिलेबस में है उसका एप्लीकेशन उसका थिंकिंग पार्ट ये बहुत आएगा तो जैसे मैंने आपको जैसे काजल प्रसाद सपोर्ट कर रहे हैं जैसे इसमें क्या मैंने क्लियरली याद रखना याद है काजल सिलिकेट्स के टाइप्स होते थे जो जेडली में लिखा हुआ है और ये भर भर के उस जमाने में क्वेश्चन आते थे अब ये 2007, 8, 9 के बाद एग्जाम में आना बंद हो गया तो इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे बट हाँ अब जैसे कि एक टॉपिक है जियोलाइट जियोलाइट कई जगहों पे यूज हुआ है, तो हो सकता कहीं पे भी आ जाए। अब, आ, है तो अब आप, आपको कनेक्शन आपको बहुत पढ़ना होगा बहुत सारे चैप्टर से कनेक्शन आपको ढूंढने होंगे कि कौन चीज कहाँ पे मेंशन है जैसे केमिकल बॉन्डिंग देकर अपने आप हर चीज से लिंक कर दिया वो ठीक है तो इस आपको बहुत डिटेल एनालिसिस करना होगा और क्वेश्चन वहीं से रहेगा कुछ एक्स्ट्रा हाँ। निकल कर नहीं आ जाएगा बिल्कुल तो हम थोड़ा सा बायो बता देते हैं सर बच्चों को फिर हम आपस, आपस केमिस्ट्री पे चलेंगे तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसे कुछ भी कहीं से डिलीट नहीं किया गया है सेल स्ट्रक्चर एज इट इज साइटोलॉजी पूरा साइटोलॉजी चाहे वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो चाहे वो आपका माइटोसिस म्योसिस वाला चैप्टर हो क्योंकि अगेन आई विल स्टिक टू दिस पॉइंट फॉर बायोलॉजी स्पेसिफिकली कि एप्लीकेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन आपके ज्यादा बन रहे हैं साइटो से भी आपकी अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं साइटो इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो साइटो पढ़ोगे तभी जाकर के आप जेनेटिक्स को भी अच्छे से समझ पाओगे ठीक है तो साइटो को एज इट इज रखा हुआ है बीटी और सेल थ्योरी सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एवरीथिंग एवरीथिंग इज वैसा का वैसा कुछ भी इसमें चेंज आपका नहीं हुआ है सेल साइकिल भी आपका माइटोसिस मियोसिस एज इट इज है बिल्कुल भी इसमें चेंज हाँ। नहीं हुआ है ठीक है एंड बच्चों फटाफट फड़ से, से सेशन को लाइक एंड शेयर करते हुए चलो हाँ। ठीक है हाँ अभी तक लाइव नहीं चल रहा है कुमार वापस से हम लाइव आए हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर करके बच्चा सर हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप लोग वापस से तब से सुबह से लाइव ही चल रहे हो हम बच्चों के लिए ये। तो, दे, देवज, देवज्योति कह रहे मैम क्या अब क्या है सरसन रीजन

Uh, कई बार क्वेश्चन आया और चार ऑप्शन हाँ. को यह पता नहीं होता है राइट आंसर right क्या, क्या 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 है मतलब नहीं हो सकते उनको नहीं पता होता है बट अगर जैसे कि uh, किसी क्वेश्चन में आपका है अब बहुत ध्यान से देखना इसीलिए अच्छे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना चाहिए कोई क्वेश्चन है उसके बी सी और डी ऑप्शन है ओके okay. अब उसमें से पता चला कि इसमें चार चीजें आपको जाननी थी बट ऑप्शंस अच्छा नहीं बनाया गया आप एक के प्रति भी श्योर हो तो आप आंसर कर जाते हो ऑब्जेक्टिव में एक्चुअली तो नॉलेज का टेस्ट पूरा हुआ नहीं आप चार क्वेश्चन में से एक के लिए भी अगर आप श्योर थे तो आपने आंसर कर दिया तो कई बार ऑब्जेक्टिव वो बेस्ट नॉलेज चेक कर नहीं पाता है तो प्रैक्टिस के दौरान रीजन मल्टीपल चॉइस करना ही चाहिए इसलिए नहीं कि आप मेडिकल के एग्जाम दे रहे हो क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को कंक्रीट करेगा और एग्जामिनेशन में माइनस मार्क्स से बचाएगा क्योंकि आपके थॉट्स इधर उधर नहीं खोएंगे ओके okay, कई बार ऐसा होता है ए को मिलाना है वन से बी को मिलाना है टू से सी को किसी बच्चे को दोनों नहीं आता है बट एक के बारे में वो श्योर है ऑप्शन एक ही में वो ऐसा ऑप्शन है आंसर कर दिया ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन बट ऑप्शन घटिया है कि मतलब जैसे कि आप ऐसे रख लीजिए मैं ऐसा बहुत बार हुआ होगा आंसर एक है और ऑप्शन में ही सी का मिला होगा तो इसीलिए हाँ, हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद ही हम इस पीडीएफ के ऊपर आए हैं तो आप सेशन को शुरुआत से देखना आपको दिखेगा कि वेबसाइट ओपन हो गई है हाँ यस तो प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चों ट्रांसपोर्ट मिनरल न्यूट्रिशन आपका बिल्कुल खत्म हो गया है हाँ. ए, हाँ. So, बच्चे लोग जो हम अभी जो कर रहे हैं अपडेट हुआ है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक ऊपर है हाँ बिल्कुल और अभी सक्सेस पाथ की आपकी क्विज आज सुपर सैटरडे वाली क्विज चलेगी आ, टू थर्टी पे शार्प हम शुरू कर देंगे तो सुपर थर्ट आ, स... सक्सेस पाथ वाली जो फेज हाँ। है वो उसमें हम सुपर क्वेश्चंस करने वाले हैं सो बी लाइव एवरीबॉडी शार्प टू थर्टी जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो और जल्दी से सेशन में आ जाना तो हम आपसे मिलेंगे आपसे हाँ केमिस्ट्री के बॉटनी के जुलॉजी के और फिजिक्स के सभी क्वेश्चन में हम क्विज में मिलते हैं ऑल द बेस्ट एग्जैक्ट सिलेबस कुछ भी हो अपनी तैयारी बेस्ट करेंगे अच्छा रैंक लाएंगे और इसका इसका आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर ओके सो नेक्स्ट डिस्कशन बच्चे लोग हां चलो, हाँ, बार, चलो बार। मिलते हैं जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर बाय बच्चों